नंदापुर का कक्षा 9 का छात्र 30 मई को कोचिंग से घर के लिए निकला, वापस नहीं आया, परिजन हुए परेशान। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर निवासी राजेश यादव का 17 वर्ष का पुत्र शिवम यादव 30 मई 2024 को स्कूल गया हुआ था। सरस्वती विद्या मंदिर लालगंज से क्लास करने के बाद वो कोचिंग करने के लिए लालगंज में स्थित फिरतू कोचिंग हनुमानगढ़ी चला गया। इसके बाद वो बस पर सवार होकर घर के लिए निकला, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी वो अब तक घर नहीं पहुंच सका, जिससे परिजन किसी अनहोनी को लेकर काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी पहुंचने तक की उसकी लोकेशन मिल रही है, जहां उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन वो वहां नहीं मिल पाया। कहां चला गया इसका कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग किसी अनहोनी को लेकर काफी चिंतित हैं। उसके पिता ने बताया कि यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो अकेले है या किसी के साथ है। राजेश यादव ने बताया काफी तलाश करने के बाद 3 दिन से अब तक कोई ठोस सुराग न लग पाने के परिणाम स्वरूप उन्होंने देवगांव कोतवाली में इस संबंध में तहरीर दी है। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमारा लड़का कल देवगांव से यहाँ से निकला स्कूल से, कोचिंग सेंटर, उसके पास से लापता है। हाँ, वो वापसी घर नहीं आया। कहाँ पढ़ता था? विद्या मंदिर, लालगंज सरस्वती विद्या मंदिर। हाँ, इसके बाद कोचिंग बता रहे हैं कि? हाँ, उसके बाद कोचिंग गया, कोचिंग से वापसी घर नहीं आया। बनारस तक आप लोग बता रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लोकेशन मिल गया, खोजा गया, बनारस तक दिखा, उसके बाद नहीं दिखा। फोन भी नहीं किया? नहीं, फोन भी नहीं किया। कितनी उम्र है? 16-17 साल। क्या नाम है लगे लड़के? शिवम यादव। शिवम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? देवगांव नंदापुर। चलिए ठीक। बाप के देवगांव में खुल गया शहनाई मैरिज लॉन। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, तिलक, मीटिंग हॉल आदि की बुकिंग के लिए संपर्क करें कमर वकार 9452547425, नईमा वकार 9161348144। आवासीय सुविधा उपलब्ध।